अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह ताला हम थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। पीछे हमने जितना अभी तक जुमला फेलिया में सीखा है उनकी कुछ गर्दाने बनाना सीखेंगे और उसको कहते हैं सरफे सगीर। तो उसको इंशाल्लाह हम बनाना सीखते हैं और कुछ मैंने रूट लेटर्स लिए हैं पहले उनसे प्रैक्टिस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा, आप लोगों को लगा कि ये प्रैक्टिस अच्छी है, इस पे हमारी मजीद आप लोगों की प्रैक्टिस हो सकती है, तो वक्तन फवक्तन कुछ कुछ लेक्चर्स के बाद इस तरह की प्रैक्टिस सेशंस मैं आपकी करवाती रहा करूंगी, लेकिन सिर्फ उस वक्त जब आप लोगों को लगता है कि ये फायदेमंद है तब। तो अगर आप लोगों को ये सेशन, आज की क्लास फायदेमंद लगती है तो मुझे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इस तरह के लेसन्स, इस तरह के लेक्चर्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए। और हर बार मैं आप आज के लेसन में इंशाल्लाह देख लेंगी कि जिन रूट लेटर्स को मैं लेकर आई हूँ उनकी फुल डिटेल बता रही हूँ, उनका फुल मुवाजना भी कर रही हूँ, कंपैरिजन के उनको किस बाब से, किस फॉर्म से लेकर उसका ट्रांसलेशन कैसे कन्वर्ट होगा, उसकी पहचान कैसे होगी, तो उस पर आपकी एक फुल ग्रिप आ जाएगी, आपकी उसके अंदर एक फुल अच्छी तरह से आपको उसकी समझ आ जाएगी इंशाल्लाह ताला। तो हर सेशन में अगर ये कैरी ऑन हुए ये मेरे सेशंस, प्रैक्टिस सेशंस, तो फिर ये होगा कि कुरान पाक में ज्यादा इस्तेमाल होने वाले जो भी वर्ब्स हैं, जो भी रूट लेटर्स हैं जो ज्यादा इस्तेमाल हुए हैं, उनको इंशाल्लाह मैं प्रैक्टिस सेशंस में लेकर आऊंगी, आसान भी और मुश्किल भी, और जो जितने अरबाब में वो इस्तेमाल हुए हैं उन सब से उनका कंपैरिजन करना सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। तो पहले जो ये सबसे पहले आपके सामने जो स्क्रीन नजर आ रही है इसको मैं पहले आपके लिए खुद हल करती हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि कैसे करना है। जैसे कि रूट लेटर्स हैं का, ता, बा, और ये बाबे नून से मैं चाह रही हूँ कि मैं इसकी गर्दान बनाऊं। और इसको सरफे सगीर का मतलब ये कि मैं गर्दान का जो पहला सीगा है, हुआ का सीगा, उससे इन सब को बनाऊं। और सरफे कबीर जो होती है उसमें ये होता है, चले पहले मैं ये सरफे सगीर कंप्लीट कर लूं, फिर इंशाल्लाह अल्लाह करके मुझे याद रहे तो फिर मैं सरफे कबीर को बताऊंगी कि वो क्या चीज होती है। तो अगर मैं काफ ता बा को बाबे नून में डालूं तो ये बनता है कताबा, और इसका मतलब हुआ उसने लिखा, यक्तुबु वो लिखता है। अब इसी चीज को मैं लम के साथ लेके जाऊंगी, यानी कि फेल मुदारे को लम जब इस पे दाखिल होगा तो क्या होगा इसके लिए, वो फेल मुदारे मज़ूम हो जाएगा, लम यक्तुब उसने नहीं लिखा। लन के साथ इस्तेमाल होगा तो ये मंसूब हो जाएगा, लन यक्तुबा। अब देखें बा के ऊपर जबर आ गई, यहाँ पे जजम थी, यहाँ पे मरफू हालत, रफा हालत उस पे पेश थी, तो इसका मतलब कि जब जब उसके ऊपर हम मुदारे के साथ कुछ ना लिखे इट मीन्स कि उसकी उतनी ओरिजिनल पोजीशन है, वो मरफू हालत में है। और जब कोई ना कोई हर्फ उसको जजम या नसब करेगा तो फिर हमें जब हम उसकी तरकीब करेंगे तो हम लिखेंगे कि ये फेल मुदारे मज़ूम है या मंसूब है, ठीक। अब जब लन का दाखिल होगा इसके फेल के साथ तो अब तर्जमे में क्या चेंज आएगा कि ये भी नफी का तर्जमा देगा लेकिन मुस्तकबिल में, तो कहा जाएगा कि वो हरगिज नहीं लिखेगा। लम का क्या ट्रांसलेशन था कि लम भी नफी करता है लेकिन माजी में, कि उसने नहीं लिखा, माजी में इसका निगेशन हुई, माजी में नफी का मफहूम दे रहा है। और लन का काम क्या है कि वो भी नफी करता है और एक जोरदार नफी करता है, आम सी नफी नहीं, ये नहीं कि वो नहीं लिखेगा बल्कि ये कि वो हरगिज नहीं लिखेगा। तो ये लन में एक तो नफी होती है, पुरजोर नफी होती है और मुस्तकबिल के साथ खास होती है। अब अगर ला नहीं आएगा फेल मुदारे से पहले तो फिर क्या होगा कि ये भी मज़ूम करता है, ला नहीं भी मज़ूम करता है, तो ये बन जाएगा ला यक तुब। अब इसका जब तर्जुमा होगा तो ये ऑर्डर होगा निगेशन में, मतलब ये नफी में इसका ऑर्डर दिया जाएगा कि वो मत लिखे, ठीक। अमूमन ये जो ला नफी होता है ये हाजिर के सीगों से आता है कि तुम मत लिखो, हाजिर के सीगों से आता है, ला तक तुब होता फिर, लेकिन चूंकि मैं पहले पहले सीगा लेके चल रही हूँ तो इस वजह से फिर मैं पहला सीगा ही लेकर आई हूँ कि वो मत लिखे। ला नफी, अगर अब मैंने ये दोनों को इसलिए इकट्ठा लिखा, वरना मैं ये पहले मैं सोची थी कि मज़ूम वाले दोनों इकट्ठे लिखूं, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, ला नहीं और ला नफी को इकट्ठा लिखना ज्यादा बेहतर है ताकि इसका कंपेरिज, ताकि आप लोगों को इसका फर्क पता चले कि ला नहीं जब होगा तो वो जो हो आपको फेल होगा वो मज़ूम हालत में नजर आना चाहिए, और ला नहीं है तो उसके लिए क्या होगा कि दोनों ही देखे ला है लेकिन यहाँ पे क्लियर आप
आपको पेश नजर आ रही है. इट मींस कि ये अब ला नफी है, इसने इस फेल मुदारे पे कोई असर नहीं किया, इसको मजूम नहीं किया. तो ये नॉर्मल ला है ला नफी का. तो इसमें ट्रांसलेशन भी फिर नॉर्मल होगा कि वो नहीं लिखता, वो नहीं लिखता है या वो नहीं लिखेगा. आम नॉर्मल बताई जा एक बात बताई जा रही है कि वो नहीं लिखता, जबकि ला नहीं में क्या है कि किसी काम के ना करने का ऑर्डर दिया जाता है, हुक्म दिया जाता है किसी काम को ना करने का, कि वो मत लिखे या वो ना लिखे या तुम मत लिखो, ऑर्डर दिया जा रहा है कि ऐसा ना करो. अच्छा, अब हम लाम अमर को ले आते हैं. अब लाम अमर और फेल अमर, इसका भी फर्क आप लोगों को पता होना चाहिए. लाम अमर जो है ये फेल मुदारे से पहले आता है और ये भी फेल मुदारे को मजूम करता है. ठीक, तो ये बन जाता है लियक्तुब. अब यहाँ पर मैंने लाम के नीचे जे लिखी है. अमूमन चूंकि आपको, वैसे तो आप जब लेक्चर में आप जब जब मैंने ये हरफ जाजिमा सिखाए हैं वहां पे तो मैंने डिटेल से बताया हुआ है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वर्बली बता देती हूँ कि ये जो लाम अमर आता है ये ज्यादातर फा हर्फ फा या हर्फ वाओ के साथ आता है, और जब ये वाओ और फा के साथ जुड़कर आता है तो इस लाम के ऊपर जज़्म आ जाती है, फल यक्तुब या फिर वल यक्तुब. लेकिन चूंकि मैंने पीछे वाओ और फा नहीं लगाया इस वजह से फिर मैं ला को जेर के साथ लगाया है. ठीक, क्योंकि इसकी ओरिजिनल पोजिशन जेर के साथ ही होती है, लेकिन ज्यादातर ये वाओ और फा के साथ जुड़कर आता है तब इसके ऊपर जज़्म होती है. तो अब इसका तर्जमा जो है कि उसे लिखना चाहिए, ये भी ऑर्डर है, लेकिन क्या है, किसी काम के करने का ऑर्डर है और वो भी गायब के सीखों को. ये जो लामी अमर होता है, चले मैं फेल अमर भी कर लेती हूँ, फिर आप इन दोनों का फर्क आपको सही समझ में आएगा इंशाल्लाह ताला. फेल अमर, फेल अमर में क्या है कि अलामत मुदारे नहीं होगी जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये फेल अमर है, मजूम तो ये भी होगा. उक्तुब, देखिए ये भी मजूम है, लेकिन चूंकि यहाँ पे शुरू में कोई अलामत मुदारे नहीं है जिससे हमें ये पता चल गया कि ये फेल मुदारे मजूम नहीं है बल्कि ये फेल अमर है. अब इसका हम तर्जमा जब करेंगे तो हम इसमें भी ऑर्डर का हुक्म होगा, तुम लिखो. अब इन दोनों में फर्क क्या है? फर्क ये है कि जो लाम अमर होता है ये गाइब के सीगों के साथ आता है. ठीक है, ये गाइब के सीगों के साथ ज्यादातर आता है, बहुत कम शायद कोई एग्जांपल हो जो ऐसे हाजिर के सीगों के साथ मिल जाए, वरना ये गाइब के सीगों के साथ ही आता है. यानी वो थर्ड पर्सन जो सामने मौजूद नहीं है और उसे हम कुछ करने का कहें, किसी काम के करने का हुक्म दें, और वो किस तरह से होगा कि उसे करना चाहिए या उसे लिखना चाहिए, ये उसे ऑर्डर दिया जा रहा है कि उसे ऐसा करना चाहिए. ठीक है, और जब जो फेल अमर है ये हमेशा सिर्फ और सिर्फ हाजिर के सीगों के साथ होता है, जो आपके सामने हो, जो सेकंड पर्सन हो, जो सामने मौजूद हो, जिसको आप डायरेक्टली ऑर्डर दे सके कि तुम लिखो, लिखने का ऑर्डर उसको दिया जा रहा है जो सामने मौजूद है. तो ये लाम अमर और फेल अमर का फर्क है कि लाम अमर जो है वो फेल मुदारे के ऊपर आता है, उसको मजूम करता है और वो गाइब के सीगों को ऑर्डर करता है, जबकि फेल अमर जो है वो हाजिर के सीगों के साथ आता है और उसमें अलामत मुदारे नहीं होती. ठीक है, और वो डायरेक्ट जो है वो किसी काम के करने का हुक्म देता है. अब इन्हीं रूट लेटर्स को माजी मजहूल बनाते हैं, तो ये बन जाएगा कुतिबा, लिखा गया, मुदारे मजहूल युक तबू. इसमें भी क्या है कि देखें, फिर वैसे तो डिटेल सारी वही बात है कि मैं एक्सप्लेन की हुई इसलिए दोबारा बार बार नहीं होना चाहिए, लेकिन वर्बली थोड़ा सा बताती हूँ कि ये फेल मुदारे के ऊपर पेश आती है, चाहे माजी मजहूल हो चाहे मुदारे मजहूल हो, दोनों ही हमेशा पेश से शुरू होते हैं. माजी मजहूल में जो आयन कलमा है उसके नीचे जेर होगी, और जो मुदारे मजहूल है उसका आयन कलमा के ऊपर जबर होगी लाजमन. अगर फेल मुदारे में आयन कलमा के ऊपर जबर नहीं है तो चाहे बेशक शुरू में पेश हो फिर वो मजहूल का सीगा नहीं होगा. तो दोनों का होना जरूरी है, शुरू में पेश भी होना जरूरी है और आयन कलमा के ऊपर जबर का होना भी जरूरी है, तब वो मुदारे मजहूल होगा. तर्जुमा किया जाएगा, लिखा जाएगा. इस्मुल फाइल इसका बनाएंगे, काम करने वाला. पहले तो ये जितने थे ना अभी तक सब के सब फेल थे, अब क्या है इस्म आ रहा है, इसी रूट लेटर से इस्मुल फाइल बनाएंगे और इस्मुल मफ़ऊल बनाएंगे. तो जब हमने फाइलून के वजन के ऊपर इसको रखा, क्योंकि ये बाबे नून से है, मुजर्रद बाब से है, तो अब हमने फाइलून के वजन के ऊपर इसको रखना है. कातिबुन, लिखने वाला. इस्मुल मफ़ऊल बनाएंगे जब इसका, तो मकतूबुन, मफ़ऊल के वजन के ऊपर लिखा हुआ.
तो इस तरह से इंशाल्लाह ताला आज हम प्रैक्टिस करेंगे अगर सब इंशाल्लाह, और उनकी एग्जांपल्स मैं आपको कुरान पाक से भी आयात से उनका सिखाऊंगी इंशाल्लाह, कोशिश पूरी होगी इंशाल्लाह। तो अब जो मैं रूट लेटर्स लेकर आई हूँ जो कुरान पाक में कसरत से इस्तेमाल है, खौर रा जीम 182 टाइम्स ये इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, जिसमें से बाब इफ़आल से ये 99 टाइम्स इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, इन 182 में से अगर देखा जाए जाए तो सबसे बड़ी तादाद में बाब इफ़आल से हुआ है इस्तेमाल, और उसी बाब से यानी बाब इफ़आल ही से 6 बार ये मसदर के तौर पर आया है इफ़आल के वजन पर, यानी इफ़आल उसका मसदर के ऊपर ही उसका नाम होता है ना, इखराज, इस तरह से इखराज जो लफ्ज है ये 6 बार आया है क्योंकि मसदर है इफ़आल के वजन पे तो इखराज बना। इस्मुल फाइल बाब इफ़ाल ही से इस्मुल फाइल जो है वो 3 बार इस्तेमाल हुआ है, और बाब इफ़ाल ही से इस्मुल मफ़ूल जो है 5 बार इस्तेमाल हुआ है इस रूट लेटर से, और बाब नून से भी ये आया है 53 टाइम्स बाब नून से आया है, और इसका इसके अलावा इसी बाब से यानी बाब नून से इस्मुल फाइल 3 बार आया है कुरान पाक में, बाकी 4 बार जो है ये बाब इस इफ़आल से इस्तेमाल हुआ है। अब आप अगर इनको काउंट कर लें तो थोड़ी बहुत आई थिंक 8-9 रहते ही है नंबरिंग, तो वो नॉर्मल जो है ना वो डिफरेंट मुख्तलिफ तरह के जो है ना नाउन नाउन के तौर पर इस्म के तौर पर ही इस्तेमाल हुआ है, जैसे खुरूज इस तरह का कोई लफ्ज़ है 2-3 बार आई थिंक ये इस्तेमाल हुआ है, तो वो कुछ इस्म है जो इस्तेमाल हुआ है, इसलिए मैंने उनको यहाँ पे अलग अलग से एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि मेन हमने फेल को और इस्मुल फाइल और इस्मुल मफ़ऊल को सीखना है इंशाल्लाह ताला। तो चले सबसे पहले हम इसको बाब नून से इसकी जो है ना सरफे सगीर, आओ याद आया सरफे सगीर और सरफे कबीर का मैंने आपको फर्क बताना था, तो जिस तरह पीछे कतबा वगैरह में था वो सब देखिए पहले पहले सीधे थे, अब फेल माजी का कतबा है ना उसी से फेल माजी की पूरी गर्दान बनाई जाए, अगर हुआ से लेके नहनू तक जो पूरी गर्दान बनाई जाएगी फेल माजी की, फिर फेल मुदारे की ये यकतुबू से लेके अना के सिरे तक नहनु के सिरे तक नहनु के सिरे तक पूरी जो फेल मुदारे की गर्दान बनाई जाएगी, और फिर लम के साथ पूरी गर्दान, लन के साथ पूरी गर्दान, ला नहीं के साथ पूरी गर्दान, ये पूरे 14 सिरे जो गर्दान के होते हैं, और इसी तरह ला नहीं ला नफी फेल अमर फेल मजहूल चाहे माजी मजहूल है मुदारे मजहूल है इस्मुल फाइल के भी सारे सिरे, ठीक है, तो वो कहा उसे कहा जाता है सरफे कबीर, यानी कि मुकम्मल तौर पर उसकी फुल आगाही के हर सिरे से आपके सामने वो मौजूद हो तो वो बहुत ही लंबा काम हो जाता है। तो सरफे सगीर में ही होता है कि उसका सिर्फ पहला पहला सिगा लेके उसको बनाया जाए तो उसके उस पर आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, तो ये फर्क हो गया सरफे सगीर और सरफे कबीर का। चले अब हम खौर रा जीम से बाबे नून से बनाते हैं, और मैं चाहूंगी कि आप सब पार्टिसिपेट करें मेरे साथ, तो जो जो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं से तो सब अपने माइक को अनम्यूट कर लें, बोलेगा कोई एक ही, जिसका नाम लूंगी वो पार्टिसिपेट करेंगी, लेकिन आप माइक अपने अनम्यूट इसलिए रखें ताकि जिसको मैं बुलाऊं तो वो फौरन जवाब दे सके, म्यूट अनम्यूट के चक्कर में देर ना लग जाए। ठीक है, तो सिस्टर कोस्टर आपने इस बाब से बाब नून से इसका माजी बनाएं और तर्जमा बताएं। जी मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खराजा वो निकला, यखरुज यखरुज वो निकलेगा, ठीक है एक मिनट, यखरुज वो निकलता है या निकलेगा। अच्छा मैंने जितने इसमें जो ना हाजिर के सीगे बनाए हैं, लेकिन ये मुस्तकबिल का भी बनाया जा सकता है, आप सबको पता है कि फिर मुदारे मुस्तकबिल और हाजिर दोनों के सीगे के लिए है। आप ऊपर वाली लाइन कंप्लीट करके लानफी तक खामोश हो जाइएगा, इंशाल्लाह नीचे वाली लाइन जो है वो सिस्टर नसरीन आप रेडी रहिएगा। ठीक है जी 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 सिस्टर कौन से इसको कम्प्लीट करें, यखरुज वो निकलेगा या निकलता है, लम यखरुज वो नहीं निकला, लन यखरुज वो हरगिज नहीं निकलेगा, ला यखरुज एक मिनट लन यखरुजा आई थिंक मुझे लगा आपने यखरुज बोला है, ठीक है लन क्योंकि ये मंसूब करता है, अच्छा और ला यखरुज वो मत निकले, ला यखरुज वो नहीं निकलता, वेरी गुड वो नहीं निकलता बिल्कुल ठीक है, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने, वेरी गुड जी सिस्टर नसरीन आगे आप लेके चलें। जी अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ली यखरुज उसे निकलना चाहिए, उखरुज तुम निकलो,
आगे है माजी मजरूर होरिजा निकाला गया और फिर निकला गया, निकाला नहीं, क्यों? क्योंकि ना हम लोग इसको बाबे नून से कर रहे हैं ना, बाबे नून से निकलना का तर्जमा होगा, निकालना का नहीं होगा, ठीक है? और फिर तो ये खुरीजा निकला गया, निकला गया। और मुजारे मजूल युख राजू निकला जाएगा, निकला जाएगा। और फिर इसमें ठीक है फाइल है खारिजु, खारिजु निकलने वाला, मखरूजुन निकला हुआ। वेरी गुड, माशाल्लाह बेहतरीन, बहुत अच्छा किया आपने, माशाल्लाह दोनों ने बहुत अच्छा किया। अब इसी रूट लेटर से हम बाब इफाल को लेके चलते हैं। सिस्टर राहिला आप आ जाएं, पहले ऊपर वाली लाइन राहिला आप करें और नीचे वाली निशात आप पूछेगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी स्टार्ट करें इसको, बाब इफाल से माजी बनाएं। अखरजा उसने निकाला, उसने निकाला, निकाला, बिल्कुल। ये फर्क देखें हुआ बाबे नून से था कि वो निकला, वो खुद निकला, और बाब इफाल से क्या हुआ, उसने निकाला, उसने किसी को निकाला, तो ये मुतादी हो गया, यानी कि ये काम वो किसी फाइल किसी दूसरे के ऊपर कर रहा है। वेरी गुड, आगे चलें। युखरिजु वो निकालता है। वेरी गुड। युखरिज वो नहीं निकालता है। लन युखरिजा उसने नहीं निकाला या वो नहीं निकाला, क्योंकि इसका देखिए माजी में तर्जमा होगा ना, अगर आप वो लगाएंगी तो फिर वो हाल में तर्जमा करना पड़ेगा। वो नहीं निकालता है, देखिए हाल में तर्जमा हो गया, तो नफी तो हो रहा है लेकिन हाल में हो रहा है, जबकि जो लम है ना वो माजी में नफी करता है। नामे अमर उससे, बीच में कोई किसी का माइक अनम्यूट है, साथ में शायद कोई बोल रही है अभी, ठीक है? सिर्फ राहिला और क्या नाम है निशात, बस वो रख अपना म्यूट रखें, अनम्यूट रखें। जी राहिला अब आगे लन से करें, ठीक है? राहिला आपको लम का समझ में आया, हाल में तर्जमा नहीं करना, माजी में करना है, ठीक है? जी लन युखरिजा, अब लन से करें। लन युखरिजा वो हरगिज नहीं निकालता है या मुस्तकबिल के साथ खास है, लन जो है ना वो फिर हाल में नहीं तर्जमा करेगा, सिर्फ मुस्तकबिल में करेगा नफी के साथ। जी जी वो हरगिज नहीं निकालेगा, वो हरगिज नहीं निकालेगा गा, ठीक है? मुस्तकबिल में जरूर करना है, वो हरगिज नहीं निकालेगा। आगे ला नहीं, ला युखरिज वो मत निकालेगा, निकाले गा नहीं करें, बस वो निकाले, वो मत निकाले, गा जरूरी नहीं है, ठीक है? वो मत निकाले। आगे ला नफी, ला युखरिजु हाँ, इसके ऊपर पेश जरूरी है ताकि पता चले ये ला नफी है। और नॉर्मल नेगेशन करें, हाल में कर दें, वो नहीं निकालता, हाँ वो नहीं निकालता है या वो नहीं निकालेगा, ठीक है? अगर हाल में कर रही है तो वो नहीं निकालता है, वो नहीं, ये देखिए इसके लिए ऑर्डर नहीं है, ये बताया जा रहा है कि वो ऐसा काम नहीं करता, ऑर्डर नहीं है, जबकि ला नहीं में ऑर्डर दिया जा रहा है कि वो ऐसा मत करे, ठीक है? दैट्स गुड माशाल्लाह राहिला, गुड बेहतरीन। सिस्टर रिशात आप आ जाएं। जी मैम, लामे अमर अखरिजु, पहले लामे अमर का कौन सा हर्फ आएगा, उस हर्फ के साथ उसको जोड़ें। लामे अमर का मैम राजीम बाबे फाल पे अखरिजु, नहीं लामे अमर में देखिए लामे अमर जो है मज़ूम करता है और लाम ज़ेर के साथ आता है, लियुखरिज, ठीक है? लियुखरिज, अब इसका जब आप तर्जमा करेंगी तो आपने ऑर्डर देना है और क्या करना है, गायब के सीगे को ऑर्डर देना है, करने का हुक्म देना है, तो कैसे करेंगी?
ली युखरिज तुम निकालो, नहीं तुमने, निकल क्योंकि ये गायब का सीगा है ना, गायब का जी। सीगा है और इसमें चाहिए लगाना होता है। उर्दू के तर्जमे में आप चाहिए करके करते हैं बात, उसे निकालना चाहिए, ठीक है। उस पे एक काम जो सामने नहीं है उसे एक काम करने का ऑर्डर दिया जा रहा है कि उसे निकालना चाहिए, उसे ये काम करना चाहिए, तो ये इनडायरेक्ट ऑर्डर दिया जा रहा है, ठीक है। डायरेक्ट ऑर्डर नहीं है, इनडायरेक्ट ऑर्डर है। जो डायरेक्ट ऑर्डर होता है वो फेल अमर में होगा, तो आप इसका फेल अमर बनाएं। उसे निकालना चाहिए, फेल है हमारे। फेल अमर बनाएं आप। अच्छा अच्छा, अलामत मुदारे हटा दें, ठीक है। अलामत जी मुदारे हट गई, ठीक है। पहली बात, जीम के ऊपर ऑलरेडी जजम मौजूद होगी। अब इससे ये जुलामे अमर है ना, इसी से चले फेल अमर बनाते हैं। जीम के ऊपर ऑलरेडी जजम होगी, अलामत मुदारे हटा दें। अब क्या, और लाम जो जे के साथ है वो भी हटानी है, क्योंकि ये लामे अमर हम नहीं बना रहे, फेल अमर बना रहे हैं। तो लामे अमर और फेल मुदारे, अलामत मुदारे दोनों हट गया, सिर्फ खा है इस वक्त आपके सामने, ठीक है। जस्ट सपोज कि सिर्फ खा है, इसको कैसे शुरू करेंगे, कैसे पढ़ेंगे? अखरी अच्छा, हमजतुल वसल जो है ना, बाब इफ़ाल में हमजतुल वसल नहीं आता। जब फेल अमर बनाते हैं तो फिर हमजतुल कता आता है, ताकि पता चले कि ये बाब इफ़ाल का फेल अमर है। तो ये बन जाएगा अखरिज, अखरी ठीक अखरीज है। क्योंकि अगर हमने इस पे हमजतुल वसल लगा दिया, उखरुज हो गया या उखरिज भी चले, तो हमें ऐसा लगेगा कहीं ये मुजरद बाब से है, तो फिर तो हम तर्जमा उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो बाब इफाल की पहचान का होना जरूरी है, ताकि हम फिर निकलने का नहीं निकालने का ऑर्डर दिया जाए। अब इसका जब ऑर्डर दें तो कैसे देंगे आप सेकंड पर्सन को? खरीच उसे निकालो। नहीं, ये जो फेल अमर होते हैं ये हमेशा हाजिर के सीगों पे होते हैं, तो अंता का सीगा जहन में रखें। तुम निकाल लो, तुम निकालना निकालो। चाहिए, अब निकालना अगर यहाँ पे चाहिए। हम नहीं, नहीं चाहिए नहीं लगेगा, क्योंकि लामे अमर होता तो चाहिए लगेगा ना। डायरेक्ट डायरेक्ट जो ऑर्डर है उसमें चाहिए की जरूरत नहीं है। जो अब आप मेरे सामने है ना, आपको मैं जो ऑर्डर दूंगी डायरेक्ट दूंगी, मैं कहूंगी आप ये काम करें। अब जब मैं कह रही हूँ कि आप ये एक्टिविटी करें, तो मैं आपको डायरेक्ट एक काम कह रही हूँ, तुम निकलो, ठीक है। तुम तुम निकलो। निकालो, निकालो इसलिए क्योंकि बाब इफाल से है, और अगर हमजतुल वसल यहाँ पर होता और बाबे नून होता तो फिर था तुम निकलो, तुम खुद निकलो। और जब किसी को निकालने की बात की जा रही है कि तुम निकालो, मतलब तुम किसी दूसरे को निकालो, तो बाब इफाल आ जाएगा फिर, और उसके लिए हमजतुल कता का होना जरूरी है, ताकि हमें पता चले कि हमने आप बाब इफाल के मुताबिक इसको ट्रांसलेशन करना है। अच्छा, अब माजी मजहूल बनाए। माझी मजहूल मैम, हमजतुल कता के ऊपर पेश ले आए जी जी, उद रॉक उख इंचे जेल दे दें। जी उख रिजू उखरिजा, क्योंकि इस जबर से पता चलेगा कि ये फेल माजी है। अगर हमने इसको उखरिजू कर दिया तो फिर तो फेल मुदारे वाली पहचान आनी शुरू हो जाती है, ठीक है। तो ये उखरिजा, ये फेल माजी मजहूल हो गया। अब इसका तर्जुमा करें। उसे निकालो, नहीं, आपने मजहूल की तरह उसे तर्जमा करना है, निकाला गया निकाला गया। नहीं, बस जी, उसे निकाला गया, निकाला गया जी। निकाला गया। अब मुदारे मजहूल करें। युदखिलु यानी कि मैम बाबे फखारा खाक के ऊपर जबर होगी, युखरिजु युखरिजु रा के ऊपर जबर दें, क्योंकि मुदारे मजहूल में जबर जरूर होगी आइन कलिमा के ऊपर। अगर जी युखरिजू हो जाएगा तो ये तो बिल्कुल जैसा देखे, अगर अभी आपने युखरिजू बोला ना, तो ये तो फेल मुदारे में भी युखरिजू ही होता है। तो फर्क कैसे पता चलेगा कि मुदारे नहीं, मुदारे तो है मतलब मालूम नहीं, मजहूल है। तो युखरिजू की जगह युखराजू हो जाएगा, युखरिजु तो फिर पता चलेगा कि ये मजहूल है, युखराजू, ठीक है। रा के युखरिजु ऊपर जबर, आप इसका तर्जुमा करें। उसे निकाला गया जा हाल या मुस्तकबिल में करें? मुस्तकबिल में कर दें, इजी हो जाएगा। उसे निकाला उसे निकाला जाएगा जाएगा, ठीक है, जी। निकाला जाएगा। अब इस्मुल फाइल बनाएं, और आपने अब ये देख लें कि मजीदुन फी अबवाब है,
ठीक है, शुरू में मीम पेश के साथ होना चाहिए। जी मुखरिजु, मुखरिजुन, ठीक हो गया। अब इसका ट्रांसलेशन करें। निकाला गया, निकालने वाला लगा है। हाँ, निकालने वाला। और इस्मुल मफ़ऊल बनाए। मुखरजु, मुखरजुन, बिल्कुल। जब मुखरिजुन रा के नीचे ज़ेर है तो इस्मुल फ़ाइल, और रा के ऊपर ज़बर है तो इस्मुल मफ़ऊल, बस इतना सा फर्क होगा। हाँ, आप इसका तर्जुमा करें। उसे उसे निकाला जाएगा, निकाला हुआ निकला हुआ होता तो ये बाबे नून से होता, निकाला हुआ इट मीन्स कि ये बाबे इफाल से है। ठीक है, दैट्स गुड सिस्टर इशात, आपको थोड़ी सी मजीद प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है, अभी आपकी इनमें ग्रिप नहीं है तो मैं ये आपसे ये रिकमेंड करूंगी जब कभी आगे, अगर तो ये अगर आप चाहती हैं कि सके आप सब कि प्रैक्टिस सेशंस बीच में हर कुछ लेसन्स के बाद 5-6 या 7-8 लेसन्स के बाद इस तरह का होना चाहिए, तो फिर तो मैं चले मैं इस तरह के बनाती रहूंगी, तो उसमें आपने पार्टिसिपेट भी जरूर करना है। ठीक है निशात, ताकि आप ये प्रैक्टिस हो। नेक्स्ट अब जो है ना आ जाए मोमिना, और मोमिना के साथ कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? शाइमा, ठीक है, आप दोनों आ जाए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। सिस्टर कौसर आप नेक्स्ट पे आ जाइएगा, ठीक है इंशाल्लाह। मैम नमाज के लिए चली। अच्छा नमाज का कह रही है, अच्छा मैं कहूँ पार्टिसिपेट, ठीक है। नमाज जिन जिनका नमाज का टाइम है प्लीज आप अपनी नमाज पहले अदा करें, बिल्कुल जी। मोमिना उखरिजू, ठीक है, अब आपने इसको आराम से देखना है कि ये क्या फेल है, क्या सब कुछ, मतलब स्टार्ट करें इंशाल्लाह। उखरिजू ये माजी मजहूल है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा, और खारा जीम मादा बाबे इफ़ाल से है। वेरी गुड, फेल माजी मजहूल है, बाखारा जीम बाब इफ़ाल से। अच्छा, अब आपने इसका फाइल बताया था। जी मैम, इसका फाइल हुम होगा, हुम नाइबुल फाइल हो गया। अच्छा, वो मैंने इसमें लिखना टाइप ही नहीं किया। अच्छा, हुम नाइबुल फाइल हो गया क्योंकि माजी मजूल है। तर्जुमा क्या करेंगी? वो सब निकाले गए। निकाले गए, ठीक है, क्योंकि आप देखें यहाँ पे अगर हम ये नहीं कह सकते वो निकले गए, निकले नहीं निकाले गए, क्योंकि बाब इफाल से है। वेरी गुड, तो अब इसी चीज को अब जो नेक्स्ट है यहाँ इसको अब आप करें। मैम ये हो जाएगा, ये पेश है तो ये हो जाएगा उखरुजू, उखरुजू हो जाएगा, पेश लगाएंगे हम। फिर अमर है ये जमा मुजक्कर हाजिर का सिगा है, और खारा जीम ही मादा बाबे नून से है, और इसमें अंतुम फाइल है। अंतुम फाइल है, और आप इसका तर्जुमा कैसे करेंगी? तुम सब निकल जाओ। सही, जबरदस्त ऑर्डर दिया आपने। ऑर्डर का हक अदा किया आपने। ऑर्डर नहीं है। ठीक हो गया, दैट्स गुड। अच्छा, इस चीज को भी कंप्लीट करें। लन तखरुजु, लन तखरुजु। अच्छा एक मिनट, लन तो ये मैम हर्फ नासिबा है, लन के लिए खास कर देता है, और ये तखरुजु मुजारे है, और जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा है। फेल मुजारे क्या है? मुजारे तखरज यखरुजु, मरफू मंसूब मजूम मालूम, ये मंसूब है, मुजारे मंसूब हो गया, नून ड्रॉप है। ठीक हो गया, हर्फ नासिबा की वजह से। फिर ये जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा, खारा जीम मादा बाबे नून से ये भी है, और इसका अंतुम फाइल है। अंतुम फाइल हो गया, बिल्कुल। और ये कौन से बाब से है? खारा जया खुजु बाबे नून से। ओ सॉरी, बाबे नून लिखा आ गया, ठीक है। तर्जमा करें। तुम सब हरगिज नहीं निकलोगे।
ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये निकालो का तर्जमा नहीं निकलो का, क्योंकि ये बाबे नून से है, तो ये कंपैरिजन कितना जरूरी है ताकि बाब इफाल और बाब नून से ही, देखें ये रूट लेटर्स जो है दो ही बाब से आए हैं, या बाब इफाल से या बाब नून से। बाब इस्तिफाल से तो सिर्फ चार बार आया है तो वो ना होने के बराबर है, तो इन्हीं दो का ज्यादा कंपेरिजन जो है ना वो ज्यादा है कि फर्क करना है कि कब निकालना का तर्जमा करना है और कब निकलने का तर्जमा करना है। ठीक हो गया, दैट्स गुड, माशाल्लाह बेहतरीन। नेक्स्ट सिस्टर, कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहेंगी? नूर जहां आप करना चाहती हैं? यस जी, आ जाए। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह बरकात। मैं कर दूं कि मैं नमाज पढ़ने चली जाऊं या बाद में आ जाऊं? ओके अच्छा चले, सिस्टर नसरीन आप कर लें, तो सिस्टर नूर जहां इंशाल्लाह बाद में कर लेंगी। जी सिस्टर नसरीन। अखरजना, अखरजना ये जो है माजी है और ये खाराजा इसका रूट वर्ड है, बाप नून से है और बाप को दोबारा से नोटिस करें, बाप को दोबारा नोट करें, बाबे बाबे फाल। अच्छा अब कैसे बचा कि बाबे फाल है आपको? हमजा कता जो है ना ये शुरू में आया। वेरी गुड वेरी गुड, तो इसलिए मैंने मेक श्योर किया ताकि आपको वजह भी पता होनी चाहिए कि आपने बाब इफाल कहा तो क्यों कहा, ठीक है, क्योंकि हमजतुल कत आपको नजर आ रहा है। ठीक हो गया, फिर माजी है खराजीम बाब इफाल। अच्छा अब इसके बारे में इसका कोई भी जो ये नून अलिफ ना क्यों लगा है साथ में? नानू नाइबुल फाइल है, नाइबुल फाइल क्यों कहा आपने? नहीं नहीं सॉरी सॉरी, नानू फाइल है क्योंकि ये तो सिंपल माजी है, नहनु फाइल। नहनु फाइल जी बिल्कुल, नहनु फाइल। अब इसका तर्जुमा करें, हमने निकाला, हमने निकाला। वेरी गुड, नेक्स्ट आ जाए अखरिजना। अखरिजना ये मुजारे मजहूल है, ये नहीं सॉरी मुजारे अखरिजना, नहीं 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 सॉरी वो नीचे वाला अखरिजना मुजारे मजहूल है, अखरिजना। अच्छा अखरजना जो है ये फेल अमर है और बाबे इफाल से क्योंकि इसके भी शुरू में हमजा कता लगा है और इसका देखें अब फर्क करना, देखें अखरजना अखरजना से फर्क कहाँ पे हो रहा है? रा के नीचे जो हरकत और रा के ऊपर जो हरकत है वहां से, रा के ऊपर जबर है तो ये फेल माजी हो गया, रा के नीचे जेर है तो ये फिर फेल अमर हो गया, तो इस तरह से पहचान होगी। दैट्स गुड, ये भी खराजीम बाब इफाल से हो गया, आपने इसमें बताया पहले अमर आ गया। अब इसके अंदर फाइल बताएं, ये हमें निकालो यानी नहनु फाइल, नहनु फाइल। अच्छा फिर अमर में क्या नहनु आना फाइल हो सकते हैं मुतकल्लम के सीगे या गायब के सीगे? नहीं हाजिर के सीगों से बनता, फिर अमर में तो हमेशा हाजिर के सीगे फाइल बनेंगे ना? जी बिल्कुल, इसका मतलब ये जो नून अलिफ ना अब जो साथ लगा है ये फाइल नहीं है, क्योंकि फेल अमर में कभी भी नहनु आना हुआ हिया हुन्ना ये जो होते हैं ये का हुम ये कभी भी फाइल बनकर नहीं आएंगे, कभी भी नहीं, क्योंकि फेल अमर में हमेशा अंता अंती अंतुमा अंतुम अंतुना। ठीक हो गया, तो अंता फाइल है, अंता फाइल है और नहनु कभी बनेगा फूल हो गया, ये मफूल हो गया। वेरी गुड, अब तर्जुमा करें, अब अंता को जहन में रखें कि ये फाइल है और ऑर्डर किसको दिया जा रहा है? नहनु को, तो आप तर्जुमा करें, तूने हमें निकाला, ऑर्डर दे, उसे बताए नहीं, उसे इन्फॉर्म ना करें कि तूने हमें निकाला, उसे ऑर्डर की बात करें, जिस तरह मोमिना ने ऑर्डर दिया था ना, सही तरह जोरदार किस्म का ऑर्डर दे, तुम हमें निकालो। ठीक हो गया, वेरी गुड। अच्छा अब नीचे आ जाए उखरिजना, ये मुजारे मजहूल है, मुजारे मजहूल। अच्छा कैसे लगा कि आपको ये मुजारे मजहूल है, क्या आपको इसमें नजर आया? एक तो शुरू में पेश है इसकी और फिर दूसरा नीचे जाहिर जेर है, इसकी रा के नीचे जेर है, मुदारे मजहूल में तो हमेशा जबर होनी चाहिए, आयन कलिमा पे मुदारे मजहूल में तो हमेशा जबर होनी चाहिए ना? नहीं, और नून अलिफ ना तो हमेशा माजी के साथ आता है,
ये तो माजी के साथ मुमन आता है, तो ये माजी हुआ, ठीक है, ये माजी मजहूल है, और कौन से बाब से है? बाब इफाल से, बाब इफाल से, ठीक है, ये फेल माजी मजहूल हुआ बाब इफाल से। अब इसका क्या फाइल क्या निकालेंगे आप? अब इस इसमें जो है नाइब फाइल निकलेगा ना, नहनु नाइब फाइल। जी जी बिल्कुल, नहनु। अब इसका तर्जमा करें, नहनु इसमें नाइबुल फाइल हो गया, तर्जमा करें। हम निकाल दिए गए। हाँ ठीक है, इस तरह भी ठीक है, हम निकाले गए या हम निकाल दिए गए, दोनों तरह से ठीक है, हम निकाले गए या निकाल दिए गए, ठीक हो गया। दस गुड, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने, वेरी गुड। अब आप जाए माशाल्लाह नमाज पढ़ें, तो हम सबको दुआ में याद रखें। जी सिस्टर नूर जहान आ जाए। अब आपने यहाँ पे, अब आपके सामने दो है, ठीक है, दोनों दोनों ही तरफ बा हर्फ जर है, इसको डिस्कस नहीं करते, खारिजीना और मुखरजीना इसको इंशाल्लाह डिस्कस करते हैं। तो पहले खारिजीना इसके बारे में बताएं। इसमें फाइल, वेरी गुड, जमा मुजक्कर सालिम, वेरी गुड, और इसके इराबी हालत क्या है इस वक्त? मजरूर, मजरूर, वेरी गुड, और इस वक्त ये क्या है, इसके रूट लेटर्स बताएं। आ, र, ज, वेरी गुड, और ये कौन से बाब से होगा? बाबी नून, वेरी गुड, यानी कि ये मुजर्रद बाब से है, खारिजुन फाइलुन के वजन पे, वेरी गुड। अच्छा अब आप इसका तर्जुमा करें। निकाल, एक होगा निकालने वाला, एक होगा निकलने वाला, तो इन दोनों में से कौन सा ठीक है, निकालने वाला, निकलने वाला, निकलने वाला, ये मजरूर, हाँ ठीक है, निकलने वाला, क्योंकि ये बाबे नून से है, मुजर्रद बाब से है, अगर ये बाब इफाल से होता तो निकालने वाला होता, वेरी गुड। नेक्स्ट पे आ जाए, यहाँ पे भी बा हर्फ जर हो गया, आगे की डिटेल बताएं। इसके ऊपर रा के ऊपर जबर है, इसको नोटिस रखिएगा। जी मफूल, इस्मुन मफूल, वेरी गुड, क्यों? क्योंकि आपको मीम तो चलो शुरू में पेश है, के साथ है ही है, वो तो इस्मुल फाइल में भी होगा, इस्मुल मफूल में भी, तो फर्क कैसे पता चला? रा के ऊपर जबर से पता चल गया ये इस्मुल मफूल है। अच्छा आप कौन से बाब से है और इसकी इराबी हालत क्या है और इसका तर्जमा ये बताए। रूट लेटर्स खराजा, वेरी गुड, मजरूर, वेरी गुड, निकाला गया, निकाला हुआ, निकाला हुआ, निकाले हुए, क्योंकि गया हुआ ना, तो इसका मतलब वो फिर पैसिव वर्ब लगता है, यानी कि वो लगता है कि वो मुदारे मजहूल है, क्योंकि उसके अंदर एक वर्ब वाली बात आ रही है, जमाना आ गया ना, निकाला गया, गया माजी की बात हो गई है इस तरह से, तो वो मजहूल वाली बात हो जाती है, पास्ट पैसिव, तो निकाला हुआ या निकाले हुए, वेरी गुड, दैट्स गुड, माशाल्लाह बेहतरीन। नेक्स्ट नेक्स्ट कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहती हैं? जी आ जाए, कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करना चाहें? जबीन आ जाए। जी सिस्टर जबीन आ जाए। वलम युखरिजुकुम, जी वलम युखरिजुकुम, तो वाओ ये अटक हो गया, ये लम ये मुजारे को मजूम करता है, युखरिजुकुम फेल मुजारे, तो इसको हर्फ जाजिम कहेंगे, ठीक है, लम हर्फ जाजिम हुआ, जी जी मजूम करता है, जी जाजिम जाजमा, आगे ये फेल मुजारे युखरिजुकुम, जी फेल मुजारे है, खाराजा जीम इसका मादा है, सिर्फ मुजारे के साथ में लगाना चाहिए कुछ, फेल मुजारे मजूम जरूर कहें, ठीक है, अगर सिर्फ मुजारे कहेंगे तो इट मीन्स कि वो मरफू बात है, जी 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 ठीक, फेल मुजारे मजूम, जमा मुजक्कर गायब, अब रूट लेटर्स बताएं, खा ठीक हो गया,
ठीक हो गया। आगे कुम जो है वो जमीर ये है मजरूर मुनफसिल ये मफ़ूल भी मैंने बाब भी पूछा था बाब चले आ गया ये बाब इफाल से है ठीक है बाब इफाल से फिर मुदारे मज़ूम है हम फाइल और कुम का आप क्या बता रही हैं ये मफ़ूल भी बन रहा है यहाँ पर ये ज़मीर मजरूर वेरी गुड ये ज़मीर मुतसिल इस वक्त मंसूब है क्योंकि ये मफ़ूल बन रही है मजरूर बोला आपने शायद अभी मंसूब है क्योंकि मफ़ूल है ना तो मफ़ूल मंसूब होता है जी बिल्कुल ठीक है आप इसका आप तर्जमा करें और ना वो तुमको निकाले नफी करें माजी में करें लेकिन और वो तुमको ना निकाले अभी भी लगता है हाल में तर्जमा है माजी में ये होगा कि उन्होंने नहीं निकाला तुम्हें उन्होंने क्योंकि हम फाइल है उन्होंने नहीं निकाला तुम्हें यानी कि माजी की बात हो रही है ना कि उन्होंने नहीं निकाला ठीक है तो ये माजी में इसकी नफी हो रही है तुमको नहीं निकाला तुम्हें जी 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 हाँ उन्होंने तुमको नहीं निकाला या उन्होंने तुम्हें नहीं निकाला इस तरह जी ठीक हो गया दैट्स गुड माशाल्लाह बेहतरीन नेक्स्ट हमारे साथ कौन सी सिस्टर पार्टिसिपेट करेंगी जी कौसर आ जाए सिस्टर कौसर आप आ जाए जी इसको स्टार्ट करें तखरुजूना को पहले करें तखरुजूना में मैं राजीम इसका मादा है ठीक है फिर कौन सा है ये फिर मजारे है हाजर ठीक और इसमें फाइल क्या फाइल बता दें इसमें मैं हूँ फाइल है ठीक है बाबे नून से है और अंतुम फाइल है अब इसका तर्जमा करें तुम कब निकलते हो या निकलोगे ठीक हो गया तुम निकलते हो या निकलोगे ठीक हो गया अब आगे आ जाएं तुखरिजूना इस पे आ जाएं तुखरिजूना तो ये मादा वही खारा जीम है ये माजी मजहूल है अंतुम इसका फाइल है नाइबुल फाइल है एक मिनट तुखरिजूना को करना है ना पहले बताएं तुखरिजूना कौन सा फेल है ये फेल मुजारे है मैम फेल मुजारे आप बताएं कौन से बाब से है बाबे नून से अच्छा बाबे नून से तो ये तखरुजूना भी बाबे नून से था तुखरिजूना भी बाबे नून से होगा कोई फर्क इनमें क्यों इतना फर्क क्यों आ रहा है दोनों ही अगर सेम बाब से हैं तो मम ये बाबे दुआत से होगा भी अच्छा देखिए अलामत मुदारे के ऊपर पेश है ठीक है तो अब आपके सामने चार ऑप्शन होनी चाहिए अलामत मुदारे के ऊपर पेश हो तो वो क्या क्या हो सकता है क्या इसके ऊपर तशदीद है इधर कहीं नहीं है ना नहीं। तो ये बाब तफील नहीं हो सकता यहाँ पे कहीं अलिफ है नहीं तो ये बाब मुफाला भी नहीं हो सकता क्या इसके आयन कलमा जो इस वक्त रा है उसके ऊपर जबर है नहीं तो ये फेल मजहूल भी नहीं है तो फिर एक ऑप्शन है जो बचती है वो कौन सी थी जो समझाई थी मैंने बाब इफाल ठीक है ये बाब इफाल से है फेल मुदारे कि अगर इसके ऊपर जब आपको अलामत मुदारे में पेश नजर आ जाए तो आपने चार ऑप्शंस को जहन में रखना है अगर आइन कलिमा के ऊपर जबर हो तो फिर तो फेल मुदारे मजहूल हो गया फिर आपने देखना होगा कि वो कौन से बाब से मजहूल है ठीक वो एक साइड पे हो गया किस्सा तो रॉ के ऊपर जबर नहीं है तो इट मींस कि ये फेल मुदारे मजहूल नहीं है फिर आपने देखना है कि क्या इसके अगर जेर है जबर नहीं है जेर है अब अगर जेर है तो फिर तीन ऑप्शन आपके सामने फिर भी है और वो तीन ऑप्शन क्या है कि अगर तशदीद हुई आइन कलिमा के ऊपर जो कि रॉ है तो फिर ये बाब तफ़ईल होना चाहिए इस वक्त रा के ऊपर तशरीद नहीं है तो ये बाब तफ़ईल नहीं हुआ फिर अगर इसमें अलिफ आपको नजर आए फा कलिमा के बाद यानी खा के बाद जी। तो फिर ये बनता बाब मुफाइला बनता तो यहाँ पे अलिफ भी नहीं है तो ये बाब मुफाइला भी नहीं है अब ना तो तशदीद है ना अलिफ है तो फिर जब दोनों चीजें मौजूद नहीं है तो इट मीन्स कि फिर वो बाब इफाल होगा
ठीक है, ये चीज आप ज़हन में रखेंगे, जब आपको तशदीद भी नजर ना आए, अलिफ भी नजर ना आए, रा के ऊपर जबर भी नजर ना आए, तो वो बाब इफाल से फेल मुदारे मालूम है। ठीक है, अच्छा अब इसका फाइल बता दें। अंतुम, अंतुम फाइल। अब इसका तर्जमा करें, यहाँ पे तो बाबे नून के हिसाब से आपने तर्जमा किया था ना कि तुम निकलते हो, अब बाब इफाल को जहन में रख के आपने तर्जमा करना है, तुम निकालते हो। हाँ वेरी गुड, ठीक है, ये देखें फर्क अब कितना क्लियर हो गया कि बाबे नून में वो फाइल काम खुद के ऊपर करेगा, तुम निकलते हो, और बाब इफाल में जो फाइल है वो काम किसी दूसरे के ऊपर करेगा कि तुम निकालते हो, किसी दूसरे को निकालते हो। अब नीचे आ जाए तुखराजूना, अब वही देखें अलामत मुदारे के ऊपर पेश है, अब आपके जहन में वो चार ऑप्शन होनी चाहिए। पहली ऑप्शन आयन कलिमा के ऊपर क्या जबर है? आयन कलिमा इस वक्त रा है, आयन कलिमा इस वक्त रा है, ठीक है, तो इस वक्त रा के ऊपर जबर, ठीक है, रा के ऊपर जबर है जो इस वक्त आयन कलिमा है, तो अगर आपको आयन कलिमा के ऊपर जबर नजर आए शुरू में अलामत मुदारे पे पेश नजर आए तो वो क्या होना चाहिए? मुदारे मजहूल होना चाहिए। जी मुदारे मजहूल, ठीक है, तो अब जो है ना आप करें अंतुम नाइबुल फाइल होगा इसका। वेरी गुड, और बाकी वो इखराजी मादा होगा। ठीक हो गया, ये बाब नून से भी वैसे हो सकता है और बाब बाब इफाल से भी हो सकता है। ठीक है, ये जो है तो एक मिनट, बल्कि इस पे मैं इधर टाइप कर देती हूँ, क्योंकि जब पूरी हमारे पास पूरा होगा ना, पूरी आयत होगी, फिर हम कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि ये बाब इफाल से मुदारे मजहूल है या बाब नून से है। ठीक, अब मैंने इस वक्त जो तर्जमा किया है बाब इफाल के हिसाब से किया है कि तुम निकाले जाओगे, और अगर बाब नून से होता तो फिर तर्जमा किया जाएगा तुम निकले जाओगे, तो निकले जाओ इतना बैठ नहीं रहा। वैसे भी ये अभी मेरे क्योंकि पूरी आयत नहीं देखी हुई है, पूरी आयत के हिसाब से जब कॉन्टेक्स्ट पूरा देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि इस वक्त ये बाब इफाल से फेल मुदारे मजहूल है या बाब नून से है, क्योंकि बाब इफाल और मुजर्रद अबवाब का जो मुदारे मजहूल होता है वो एक जैसा होता है, वो वहां पे आपको फिर कॉन्टेक्स्ट से पता चलेगा कि इस वक्त हमने इसको बाब इफाल का मुदारे मजहूल करके इसको तर्जमा करना है या मुजर्रद के लिहाज से करना है। तो तुम निकाले जाओगे, ये उस लिहाज से भी मजहूल के हिसाब से फिर मैंने किया बाब इफाल के लिहाज से। Good. अच्छा, अब हम जो है ना आप चलते हैं जीम आयन लाम, ये रूट लेटर्स है जो कि कुरान पाक में बहुत इस्तेमाल, देखिए 346 टाइम्स ये इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में, जिसमें से इसकी आसान चीज ये है कि ये सिर्फ और सिर्फ एक ही बाब से इस्तेमाल हुआ है, बाब फा से, मुजर्रद बाब से, ये मजीदुन फी अबवाब में से किसी बाब में से आया ही नहीं है, और इवन मुजर्रद में भी सिर्फ बाब फा ही से आया है, और 340 टाइम्स बाब फा से आया है, और बाकी छह बार बचा तो वो इस्मुल फाइल बना है, वो भी बाब फा से ही। ठीक है, तो जीम आयन लाम जो है ये सिर्फ बाब फा से आया है फेल के तौर पर, और छह बार इस्मुल फाइल है तो वो भी फा ही के बाब से आया है। ठीक है, तो अब हम इसकी जो है ना सरफे सगीर बनाते हैं। दो सिस्टर्स चाहिए, तो उसके लिए सिस्टर कौसर आप ऊपर वाली लाइन कीजिए और नूर जहान आप जो है ना नीचे वाली कीजिएगा। मैं उन्हीं की कर रही हूँ जो अपने माइक को अनम्यूट रख रही हैं और इट मींस कि वो पार्टिसिपेट करना चाहती हैं, अगर इसके अलावा भी कोई करना चाहती है, क्योंकि मुझे इस तरह तो नहीं पता चलेगा, काफी सारी हैं कि जो जो पार्टिसिपेट करना चाहती है वो अपने माइक को अनम्यूट करेंगी तो मुझे उससे रियलाइज होगा कि कौन कौन करना चाहता है। अच्छा जी सिस्टर कौसर आप स्टार्ट करें, माजी बनाए इसका पहले। उसने पैदा किया, खलक़ तो नहीं है ना, खलक़ तो नहीं है, जाला का मतलब होता है बनाना। अच्छा उसने बनाया, ठीक है, अच्छा खलक़ होता है ना, फिर आप कहती है उसने पैदा किया। जाला उसने बनाया, यज आलू वो बनाता है,
लम या जाल वो नहीं बनाता, नहीं मैंने जो क्लिक कर दिया उसने नहीं बनाया, माजी में जाएगा, फिर बनाता कर देंगे तो हाल में चला गया। नफी तो आपने की है लेकिन हाल में की है, तो माजी में कि उसने नहीं बनाया। आगे आगे लन यजअल वो हरगिज नहीं बनाएगा। अच्छा लन जो है वो मज़ूम करता है कि मंसूब, यजअला जी मैं लन, हाँ जी लन यजअला वो हरगिज नहीं बनाएगा। ठीक आगे लाज़ अल वो मत बनाए। ठीक आगे लाज़ अल वो बनाया नहीं करता, वो नहीं बनाता। ठीक है या वो नहीं बनाएगा, ठीक हो गया, दैट्स गुड माशाल्लाह। जी सिस्टर नूरजहान आप आ जाएं, स्टार्ट करें आगे। लियो खुरिज, वेरी गुड। सॉरी आपने यो खुरिज बोला, ये जियाज अल खरा जिम साइड पे हो चुका है, ठीक है वो क्लोज है। ठीक है लिया जाल इसे बनाना चाहिए। ठीक इजगल आगे फेल अमर क्या बनाया आपने, बनाओ इजगल इजाल। ठीक तुम बनाओ, ठीक आगे माजी मजहूल बनाए जुगिला, वेरी गुड। बनाया हुआ, बनाया गया, क्योंकि इसके अंदर अब जमाना लाना है, बनाया गया, बनाया गया। ठीक यूजालू बनाया जाएगा। ठीक जाहिलुन इस्मुल फाउल, जाहिलुन बनाने वाला। मजगूलुन, अच्छा यहाँ पे मैं बताती चलूँ कि ये जो जाइलून है ना ये चीज है जो कि छह बार कुरान पाक में आई है। आई थिंक जाइलून इसका जमा का सीगा भी दो बार आया है और बाकी चार बार आई थिंक या जाइलून आया है, शायद मुसन्ना का भी सीगा आया हो, अगर मुसन्ना होगा तो जाइलानी। ठीक तो क्योंकि छह बार ये टोटल आया है इस्मुल फाइल के तौर पर, तो जाइलून को आपने जहन में रखना है। माजी मजहूल भी आया है जुएला, ये भी बनकर काफी आया है। ठीक हो गया बनाने वाला, और इस्मुल मफूल चूंकि इस्तेमाल नहीं हुआ लेकिन चले एक प्रैक्टिस के तौर पर क्या बनेगा, बनाए मजहूलुन बनाया हुआ। हाँ अब आप कहेंगी हुआ क्योंकि ये इस्म है ना, इसमें जमाना नहीं जाए पाया जाएगा, बनाया हुआ। वेरी गुड माशाल्लाह बेहतरीन। अब हम थोड़ी सी कुरान पाक की आयात से ले लेते हैं। जी सिस्टर शाइमा ने अपना अनम्यूट किया था, अभी आ जाए जी प्लीज आप स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम, असल में मेहमान आए हुए हैं तो मैंने कोशिश की अगर बीच में बंद कर दूं तो फिर कोई और आ जाए। जालू ये जमा मुज़क्कर, पहले बताइए कौन सा फेल है, माजी या मुदारे या अमर? जी जमा मुज़क्कर माजी, उम इसका फाइल हो गया, माजी का है। ठीक है फिर जालू रूट लेटर को पता है कि हम जी माइन लाम ही करेंगे, ठीक है होम इसमें फाइल हो गया। और अब इसका जी कौन से बाब से है? जाला यजअलू नसरा यन फतह यफ्तहू, बाब फा से फतह यफ्तहू। और उस टाइम शायद आप बिजी होंगी आपके तारीन जी संग गेस्ट, क्योंकि ये चीज आप ज़हन में रख लें कि जीम आयन लाम ये सिर्फ और सिर्फ बाब फा ही से आया और किसी बाब से नहीं आया, इसको ऐसे ही आप उसको याद कर लें कि जब भी आएगा ये बाब फा ही से, आपने उसे तो ना देखा सुना तो ये बाब फा ही से बस आया है, उन्होंने बनाया। होम फाइल बता चुकी हैं आप, इसका तर्जुमा करें हमने बनाया, होम फाइल है तो हमने उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया माजी है, उन्होंने बनाया, उन्होंने बनाया। आगे जो है ला तो मैं लाइन कर रही हूं, आप बताएं तुम नहीं और वो ही बात है ये जी, और ये इसमें अंतुम जो है इसका फेल मुदारे को क्या, फेल मुदारे मंसूब या मज़ूम क्या होना चाहिए? ये मज़ूम देखिए
नून ड्रॉप्ड है इसका, तजअलू, तो ये मंसूब और मजूम की तो एक ही शक्ल नहीं होगी, नून दोनों में ड्रॉप हो जाता है, एक ही शक्ल होगी। तो आपने थोड़ा याद रखना होगा कि जो ला नहीं है ना ये मजूम करता है। हाँ ला नहीं मजूम, ये मजूम करता है जी। ठीक हो गया। अच्छा अब इसमें फाइल बता दे, तुम नहीं बनाओ, अंतुम, अंतुम फाइल हो गया ना, अंतुम ठीक है, और तुम नहीं बनाओ, तुम सब मत बनाओ, या नहीं मत बनाओ, या तुम नहीं बनाओ जी। अब नीचे आ जाए, इसके बारे में बताएं जी। ये भी ये फेल अमर हो गया ना, वाओ का अगर हम हटा दें तो इज आलू बनेगा ना। बिल्कुल ठीक, वाओ भी मैंने इसलिए कुछ साल से लिखा रहने दिया ताकि इस तरह से भी आपको पहचान हो, तो ताकि आपको पता चल जाए कि ये हमजतुल वसल तो नजर आ ही रहा है ना, इस वजह से कि ये फेल अमर है। ये फेल ये भी फेल अमर हो गया, जमा मुजक्कर का हो गया जी। और इसके लिए फाइल क्या होगा? हम फेल अमर के अंदर हम फाइल हो सकता है? नहीं 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 नहीं, अंत कुछ हो नहीं बनेगा। ठीक हो गया। अब इसका तुम सब मत बनाओ, तुम सब मत बनाओ। अच्छा ये ला नहीं नहीं है, ये फेल अमर में करने का, तुम बनाओ, असल में ज़हन मेहमानों की तरफ भी है, वजअलू और तुम बनाओ, और तुम बनाओ। वेरी गुड, क्योंकि ला नहीं जब आएगा तो साथ ही ऊपर ही एग्जाम्पल इसकी सेम माशाल आ चुकी हुई है कि ला नहीं में किसी काम के ना करने का हुक्म दिया जाता है और फेल अमर में किसी काम के करने का हुक्म दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑर्डर उस पर भी है कि तुम सब मत बनाओ, ऑर्डर इधर भी है तुम सब बनाओ। जी जी पूछ जी, मैं एक सवाल पूछ नहीं सकी थी कि जो लामे अमर आपने बनाया माजी में तो उससे उस पे तो जेर लगी, उसके साथ तो फा या वाओ नहीं आता, तब वो लामे अमर जो है माजी का वो साकिन होता है। माजी का अमर कैसे बनता है, क्या मतलब मुझे आपकी बात ही समझ नहीं आ रही, माजी भी कह रही है अमर भी कह रही है। मैं आपके ना बस एक नजर देखा था जैसे वल, मतलब चलिए मैं बाद में पूछ लूंगी, मुझे स्क्रीनशॉट बना के भेज दीजिएगा अभी मुझे। ठीक है, लामे अमर और जालना याद रखना, अमर बिल मारूफ वो नहीं है। लामे अमर जो होते हैं ना वो फेल मुदारे के ऊपर आता है, तो वो फेल मुदारे होगा, अगर लाम अमर की बात कर रही हैं आप तो फेल मुदारे को वो मजूम करता है लामे अमर, और वो जेर के साथ होता है अगर वो वाओ और फा के साथ ना हो, तो वो डिटेल मैंने ऑलरेडी बताई हुई है, इंशाल्लाह आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। ठीक है जी, मैं रिकॉर्डिंग देख के देखती हूं, मैं आपको बताया ना मसरूफ थी तो मुझे ठीक है इंशाल्लाह, तो मैं रिकॉर्डिंग देख के उसको चेक कर लेती हूं जी। जालना ठीक है, सिस्टर नसरीन आप आ जाए इंशाल्लाह। मां ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर शाइमा, माशाल्लाह बेहतरीन किया आपने जी। सिस्टर नसरीन आ जाए, माजी है और आइन लाम जा पा से है और आगे ये इसका जो ना है ना ये मफूल है। वेरी गुड, यानी दोबारा बताएं जाल ना मफूल बोला आपने, जाल ना हमने बना, नानु फाइल, इसमें फाइल है। हाँ ठीक है, मैं आपने शायद मफूल बोला था तो मैं नानु इसमें फाइल है। ठीक है, अब इसका तर्जमा क्या किया आपने? हमने बनाया, हमने बनाया। ठीक हो गया, अब दूसरी तरफ आ जाए। इज अल जो है फेले अमर है। ठीक हो गया, फेले अमर इज अल जीन आइन लाम वाव फा से है। इज अल तू बना, अंता इसमें जो है वो है क्या उसका नाम है, अंता इसमें फाइल है। वेरी गुड, और अब ये ना इधर इधर ना पे इधर ना क्यों लगी है? मफूल है ये, मफूल ये फिर मफूल। वेरी गुड, आप तर्जुमा करें। इज अल तू बना ना हमारे लिए। हाँ तू बनाओ हमें, अब आगे वो पूरी बात है, वो इसका जो मुतालिक जुड़ेगा ये पूरी आयत होगी तो फिर उस हिसाब से हम इस तर्जमे को आगे पीछे जिस तरह होगा अकॉर्डिंगली हम कर लेंगे। ठीक हो गया,
वेरी गुड, माशाल्लाह बेहतरीन, अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे ये मैंने आज दो रूट लेटर्स लेकर आई, खौर रौ जीम और जीम आइन लाम। तो इंशाल्लाह अगर आप लोगों को लगता है कि ये फायदेमंद है, इस तरह की एक्टिविटी, इस तरह की प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो YouTube कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय का इजहार करें, ताकि मुझे पता चले कि इस तरह के सेशंस होने चाहिए, या फिर जिस तरह नॉर्मल मैं अपनी वो कोर्स को लेके चल रही हूँ उसी को लेके चलती रहूँ। और अगर इस तरह की डिमांड ज्यादा हुई तो फिर इंशाल्लाह इस पे मैं वर्कआउट करती रहूंगी, इस तरह के डिफरेंट अबवाब लेकर आऊंगी उसकी प्रैक्टिस करूंगी। कि ना हम इसमें बड़े वीक हैं, हमें बहुत प्रैक्टिस की इसमें ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि आप ना ये बल्कि वीक में कुछ ज़्यादा टाइम, भले कुछ टाइम जोन सा मर्जी आप लेट भी रख लें कुछ भी, लेकिन ना इसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, ज़रूर करवाएं, क्योंकि ये मिक्स होते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल, मेन चीज यही होती है कि ये चीजें मिक्स होने शुरू हो जाती हैं, मुख्तलिफ अबवाब मिक्स होने शुरू हो जाते हैं, या फिर फेल आपस में कि कब अमर है कब माजी है, कौन जेर जबर का ख्याल रखना पड़ता है इन चीजों से। और जैसे ये देखिए नून अलिफ ना ही है, अब हमें ये नोटिस करना है कि अगर फेल अमर हुआ तो वहां पे वो नून अलिफ ना जो है वो फाइल नहीं बनेगा, फिर वो मफूल बनेगा। फेल अमर के साथ जब नून अलिफ ना आएगा तो वो फिर मफूल बनेगा, कभी भी फाइल नहीं बनेगा, जबकि फेल माजी के साथ जब वो आएगा तो हमेशा फाइल बनेगा। तो ये चीज थोड़ी ध्यान में रखनी पड़ती है। तो इंशाल्लाह चलें ठीक है, सबकी राय देखते हैं, तो फिर इंशाल्लाह जरूर इसमें वीक में 3-4 दिन कम से कम रखें। इसमें ये फायदा होगा, इसमें ये फायदा होगा कि आपके आपकी वोकैबुलरी बढ़ेगी, जब इनके रूट लेटर्स इस तरीके से आएंगे तो उसका मैं पूरा ज्यादा जो कुरान पाक में इस्तेमाल हुए हैं उन्हीं को ज्यादा कर लाऊंगी, ताकि आपकी उन पे इतनी अच्छी ग्रिप हो जाए कि आपको तर्जमा करने में मुश्किल ना पेश आए, फर्क करना भी आ जाए, और इसमें आपकी वोकैबुलरी बहुत इंक्रीज हो जाएगी इंशाल्लाह ताला, याद हो जाएंगी ये चीजें कि अच्छा ये इस बाब से आता है और इस बाब से नहीं आता, ये जो भी है। जैसे अब खौर और जीम जो है, ये दो बाब आपने बस ज़हन में रखनी है, बाब नून या बाब इफाद, निकलना या निकालना, बस ये दो चीजें ज़हन में रखनी है। इन दो को ज़हन में रख के आपने सोचना है, नून हुआ तो अब ये करना है, बाब इफाल हुआ तो ये करना है, तो बस बाब खौर और जीम से अब आपने और सोचने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से। तो वो कुछ चीजें फिर बंदा ध्यान में रख लेता है इंशाल्लाह प्रैक्टिस से। प्रैक्टिस ना तो फिर दिमाग में फटोफट आएगा, अभी ना हम सोचने में बहुत टाइम लगा देते हैं, इसलिए कि कंफ्यूज हो जाते हैं ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस होगी तो फिर जरा यूज टू हो जाएंगे, फटोफट जवाब देना आना चाहिए ना हमें। बिल्कुल इंशाल्लाह इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, सब हो जाएगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैम मैंने ये अमर और नहीं इस तरह याद रखा था, अमर बिल मारूफ अच्छे काम का हुक्म दो, व नहीं अनिल मुनकिर बुरे काम से मना करो, और जिसमें मना करना है ना वाला मैंने याद रखा हुआ, और अमर वाले में हुक्म देने वाला। बहुत प्यारी पहचान आपने बताई है माशाल्लाह, बेहतरीन, ये चीज याद रखने के लिए आप सबके लिए इंशाल्लाह बड़ी हेल्पफुल होगी इंशाल्लाह। वेरी गुड माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, बहुत अच्छी पहचान बताई आपने ये जी जी। रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में। अच्छा चले हम दुआ मांग लेते हैं इंशाल्लाह। سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا كثيرا. بہت بینیفیشل کلاس تھی آج کی ماشاءاللہ، لا قوت الا بالله. جی میم میں یہی بات کرنا چاہ رہی تھی کہ یہ والی پریکٹس